शरीर से दिली नहीं, पर कुछ लोग मृत्यु प्राप्त भी सज्ञा का जिंदा रहते हैं। शर्मा साहब ना लोका बिचो सन तकरीबन क्यों उसने एग्जिस्ट किया, उस खुदा दी वाहिगुरु परमेश्वर दी मौन मान लिया। अगर उसने मान लिया है तो फिर मैं कहूंगा जिसने खुदा दी मौन परमेश्वर दी होंदुर मान लिया वो सम दृष्टि हो जाएगा, वो सारे उसे उसने सारे बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हाँ, क्योंकि मैं श्री यशपाल शर्मा जी तो जो जीवन धार्मिक जीवन खड़े थे मंदिर के अंदर बिल्डिंग बगीची मंदिर आते पूंछ का एक अजूबा जो पार वाला मंदिर बनया है, एक अजूबा है पूंछ का पुरातन मंदिर इतों हजार साल 500 साल पहला के बने हुए मंदिर, वो मंदिर यो जो होया करते सर एक अजूबा है। एक ही मैसेज की सुनया है कि उन्हें कोई वोटा ले लिया, इन्होंने ये धार्मिक रुचि नहीं सी उन्होंने, उन्होंने मन के अंदर वो परमेश्वर की एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उन्होंने मन के अंदर देखा कि पार्टी कड़ी है, एक कड़े पार्टी का व्यक्ति है, एक किस समाज का व्यक्ति है मेरे को आया है, ये उन्होंने सब तो वड्डी खूबी सी। सो क्योंकि समा नहीं बहुते बुलावे बैठे हुए हैं, मैं यही कहूंगा तुम उन्होंने अपने चरणा कमला निवास बख्शिश करना, जो उन्होंने परिवार है जो उन्होंने भक्त इस वेल म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं, असि जिमें यशपाल शर्मा जी ने सारे नाल प्यार करते सन, सारे हिंदू सिख समाज मुसलमान समाज या दूसरे इवन के मैं एक गल कहूँगा हरिजन समाज भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार करता सी। इस तरीके अज असी यशपाल जी शर्मा पूंछ जो कि एक दिन पहला काल चलाना कर गए सन उन्होंने याद के गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पुरानी पूंछ श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी पूंछ गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मानसा और डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो साढ़े को इस वक्त जो वाइस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट सरदार सुंदर सिंह जी सराफ और प्रधान साहब विशेष तौर पर पहुंचे हुए सन, गुरु रामदास सेवा सोसायटी के ऑर्गनाइजर सरदार अनमोल सिंह जी एक सोच बना के आज के दिन उस महान शख्सियत असी श्रद्धांजलि भेंट की है। परसों के दिन तुड़के बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई के श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए सन, अज पाठ तो बहुत तो बाद तकरीबन 10 बजे तो लैके 3 बजे तक जो कि प्रोग्राम हुए हैं जिस दे विच गुरु घर के कीर्तनिया ने रब्बी बाणी का कीर्तन जो है संगतों को ध्यान करवाया है, नाल नाल पूंछ के अंदर जो महान शख्सियत धार्मिक लीडर और सियासी लीडर ने जो कि उन्होंने जो जीवनी से जो पूंछ राय हैं जो यशपाल जी शर्मा ने पूंछ के अंदर काम किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के वास्ते काम किया, हर किसी के दुख और सुख शामिल हुए हैं। वह जो प्रोग्राम है जो गुरुद्वारा साहिब पानी पूंछ विखे अपना करवाया गया जो समुची साध संगत सिख कम्यूनिटी और महलावासी संगतों के सहयोग के नाल बहुत ही वड्डा प्रोग्राम होया है, क्योंकि उस महान शख्सियत को याद करना जिन्होंने बगैर मरम मिलन एक तकरीबन 50 साल जो खिदमत की है, जो आवाम की खिदमत की है, बरादरी भाईचारे की खिदमत की है, गरीब गुरबे की खिदमत की है, हर किसी को जो भी उन्होंने घर आया खाली हाथ जो है वापस नहीं गया, उन्होंने याद के अब जो गुरद्वारा साहब विखे जो गुरमत समागम करवाए गए सन जो कि उन्होंने परिवार के बंदे डॉक्टर सुशील शर्मा जी हार्ट स्पैशलिस्ट और जो परिवार के बंदे हैं भी वो भी पहुँचे सन, उन्होंने भी जो है असी उन्होंने गल कही है कि जिस तरीके शर्मा साहब ने कौम की सेवा की है इस तरीके भी कौम की सेवा करिए, सारा बरादरी भाईचारा पूंछ का जो है पर तो नाल है सारे गम के जो जुड़िया हुआ है जिसे परिवार को घाटा होया जिसे समाज में भी बड़ा घाटा होया है, इन बेनती प्रवान कर लिया। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी जानती है कि तुम जानते हो सारे कि यशपाल शर्मा जी आज 11 दिन पहले चले गए थे, उन्होंने याद के सिख कम्यूनिटी ने सारे सिंह साहब प्रधान मानसा जी गुरुद्वारे प्रधान साहब ने असें बैठ के मीटिंग की यशपाल शर्मा जी उन्होंने सारी पुलिस की समझ की सेवा की है, चाहे किस मजहब का भी आदमी से ऐसे व्यक्ति की याद में कोई ना कोई प्रोग्राम जो है ऐसा करना चाहता है, इस करके असर प्रोग्राम जो सारे तो सीटी अच्छी मंडे का गुरुद्वारा सी अच्छी जगह गुरुद्वारा सब खुली जगह तो प्रोग्राम असर आया कि शर्मा साहब की याद में शर्मा साहब के योगी के बारे की तकरीबन सारे लोग जानते ही हो क्योंकि 33 लेकर तकरीबन 42-45 साल की उम्र के जितना ही पूछ था कोई हिंदू से मुसलमान से सिख से गरीब तो गरीब आदमी ने बात है जिसका तुम अपने सारे सब जानते ही हो कि सारे पूछे नौजवानों की कितनी बुरी हालत पढ़े लिखे लोग जो इस
ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ 40-42 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਤਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ 1978 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 75 ਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ 78 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪੁੱਛ ਦੀ ਅਨਪਲੈਂਡ ਯੂਥ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਤੱਕ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28,000 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10-12,000 ਵੋਟਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 16-18,000 ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੁਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ੀ